टाइम 24 न्यूज जस्ट पास सच दिखाने का। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। ताजा मामला थाना हाफिजपुर क्षेत्र से सामने आया है, जहां ब्रजनाथपुर नहर के पास पुलिस की 12,000 के इनामी गौ तस्कर से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में थाना हाफिजपुर प्रभारी पर बदमाशों ने फायर कर दिया। हालांकि हाफिजपुर प्रभारी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था, जिससे गोली बुलेट प्रूफ जैकेट में जा लगी और थाना प्रभारी बाल बाल बच गए। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शातिर गौ तस्कर व 12,000 इनामी शाहिद से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में थाना हाफिजपुर प्रभारी पर बदमाश शाहिद ने फायर कर दिया। गनीमत रही कि हाफिजपुर प्रभारी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था, जिससे वो बाल बाल बच गए। तो वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी बदमाश पर फायर किया, जिससे गोली इनामी बदमाश शाहिद के पैर में जा लगी और पुलिस की गोली से बदमाश शाहिद घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से तमंचा व कारतूस बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने इनामी बदमाश शाहिद को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश शाहिद पर तकरीबन 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस उसका अन्य आपराधिक इतिहास खंगालने में जुट गई है। आज सुबह थाना हाफिजपुर की पुलिस टीम और बदमाशों के बीच में ब्रजनाथपुर गांव के जंगल में एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है। इसकी पूछताछ में इसने अपना नाम साहिब पुत्र मेहंदी हसन, जो थाना हाफिजपुर के ही बड़ौदा सिहानी गांव का रहने वाला है, बताया है। ये थाना हाफिजपुर से गौकशी के एक अभियोग में वांछित चल रहा था और इसकी गिरफ्तारी के लिए इस पर 12,000 रुपये का पुरस्कार। हापुड़ में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। थाना हाफिजपुर क्षेत्र के ब्रजनाथपुर नहर पुल के पास पुलिस की 12,000 के इनामी गौ तस्कर के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में इनामी बदमाश ने पुलिस पर फायर कर दिया। गनीमत रही कि थाना हाफिजपुर प्रभारी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था, जिससे वो बाल बाल बच गए। तो वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे बदमाश घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने 12,000 के इनामी बदमाश शाहिद को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस बदमाश का आपराधिक इतिहास खंगालने में जुट गई है। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ नदीम नकवी, टाइम 24 न्यूज, हापुड़। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।